हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये फॉर्म को डिस्प्ले कर दिया था। अगर कंडीशन मतलब अगर स्टेटस पेंडिंग है तो हमें ये फॉर्म को डिस्प्ले करना है, एंड अगर रिमार्क नल है तो हमें फॉर्म को डिस्प्ले करना है। तो कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, या तो स्टेटस पेंडिंग है तो आपको फॉर्म डिस्प्ले करना है, या तो रिमार्क की वैल्यू नल है तो आपको इस फॉर्म को डिस्प्ले करना है। अदरवाइज़ आपको रिमार्क और स्टेटस की वैल्यू डिस्प्ले करना है एंड अपडेशन डेट को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो अब ये डेटा लेके हम क्या करते हैं, रिमार्क प्रोवाइड कर देते हैं एंड स्टेटस को भी अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये डेटा हमें रिसीव करना पड़ेगा व्यूज डॉट पी वाई के अंदर। आप देखो, ये हमारा फंक्शन था, तो इसके नीचे जाते हैं एंड यहाँ पर हम लगा देते हैं इफ़ की कंडीशन। ठीक है, जब भी हमें डेटा रिसीव करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, मैं फिर से टाइप कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल पोस्ट। ठीक है, अगर हमारा जो रिक्वेस्ट का मेथड है वो पोस्ट के इक्वल है तो हमें क्या करना है, स्टेटस को चेंज करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्टेटस को रिसीव करना है फॉर्म के अंदर, जो स्टेटस यूज़र सेलेक्ट करेगा। ठीक है, एडमिन जो स्टेटस सेलेक्ट करेगा उसको रिसीव करना है एक लोकल वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो हमने फॉर्म के अंदर जो फील्ड बनाई थी, ठीक है, किस टाइप का फील्ड बनाया था हमने, ड्रॉप डाउन बनाया था। तो ड्रॉप डाउन का जो नाम मैंने रखा था वो स्टेटस रखा था, तो स्टेटस का डेटा लेके मैंने स्टेटस नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लिया। सिमिलरली मुझे एडमिन का रिमार्क रिसीव करना है एंड उसको भी हम एडमिन रिमार्क नाम के लोकल वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। ठीक है, मतलब इस फंक्शन का ये लोकल वेरिएबल है, इसको हम लोकल्स के थ्रू ये सारा डेटा पास भी कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा एडमिन रिमार्क। ठीक है, तो हमने एडमिन रिमार्क एंड स्टेटस को रिसीव कर लिया। अपडेशन डेट को हमें रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हम डेट डॉट टुडे का यूज़ करते हुए अपडेट करवा देंगे। एंड यहाँ पे मैं ट्राई का यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, चाहे तो आप ट्राई के अंदर लिखें या ट्राई के बाहर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मुझे सेव वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल करना है। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डोनेशन डॉट एडमिन रिमार्क। ठीक है, या तो ट्राई के अंदर, या ट्राई के अंदर ही वैसे बेटर रहेगा, क्योंकि मे भी अगर हो सकता है हमने कुछ नाम वगैरह गलत दे दिया कॉलम का, एडमिन रिमार्क जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक कर दी, तो एक्सेप्शन आने के चांस हैं। तो इसको मैं ट्राई के अंदर ही रख देता हूँ, एडमिन रिमार्क, एंड उसके बाद डोनेशन डॉट स्टेटस। देन आफ्टर अपडेशन डेट, ठीक है, तो अपडेशन डेट हमें मिलेगा डेट डॉट टुडे के थ्रू। ऊपर हमने इंपोर्ट करवाया हुआ है डेट डॉट टुडे, आई थिंक मैंने शायद इंपोर्ट नहीं करवाया है, तो इंपोर्ट कर देते हैं। ओके, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट। ठीक है, तो ऊपर हमने लिखा फ्रॉम डेट डेट टाइम इम्पोर्ट डेट, एंड अब हम यहाँ पे ट्राई का यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक्सेप्ट का भी यूज़ करना पड़ेगा। एंड ट्राई के अंदर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये सारी वैल्यूज़ प्रोवाइड करके इसको सेव कर देते हैं, डोनेशन डॉट सेव। ठीक है, सेव से हमारा क्या होगा, ये जो डेटा हमने अपडेट किया है वो स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो आप देखो, यहाँ पर डोनेशन लोकल वेरिएबल के अंदर मैंने रिकॉर्ड को रिसीव किया था,
तो इसलिए मैंने यहाँ पे सब जगह डोनेशन लिखा है। ठीक है, फील्ड को एक्सेस किया एंड उसके अंदर ये जो वेरिएबल्स के अंदर डेटा रिसीव हुआ था वो असाइन कर दिया, डेट भी हमने असाइन कर दी एंड सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम यहाँ पे एक्सेप्ट लगा देते हैं, ट्राई के बाद हम एक्सेप्ट लगाते हैं एंड एक एरर वेरिएबल भी हम बना लेते हैं। ठीक है, तो एरर के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे नो असाइन कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं एरर के अंदर यस असाइन कर दूंगा। ठीक है, ये जस्ट हमारा फ्लैग वेरिएबल जिसके थ्रू हम मैसेज डिस्प्ले कराएंगे अलर्ट में। ओके, तो इतना करके हम चेक करते हैं, बट पहले हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी टेम्पलेट में, अपडेशन डेट स्टेटस एडमिन रिमार्क, आई थिंक सब कुछ सही है। ओके, तो हम जाके यहाँ पे एक इफ एल्स की कंडीशन लगा लेते हैं। तो कंडीशन हमने ऑलरेडी कहाँ पे लगाई थी, एडमिन, ठीक है, किसी सेव वाले पेज में तो लगाई होगी, वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। डोनर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, डोनर रजिस्ट्रेशन से मैं ये जो नीचे कंडीशन है उसको कॉपी कर लेता हूँ। इफ एल्स का यूज़ करना एंड जावास्क्रिप्ट का कोड लगा के हमें मैसेज को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं, अगर एरर का वैल्यू यस है तो हमें एक मैसेज दिखाना है कि समथिंग वेंट रॉन्ग ट्राई अगेन, एंड एरर का वैल्यू नो है तो हमें बताना है कि रिमार्क और स्टेटस अपडेट हो गया है। ठीक है, तो इफ एरर इक्वल टू नो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो भी आपको मैसेज देना हो। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, मैंने एरर का वैल्यू यहाँ पे नो दिया था, यहाँ पे यस दिया था। ओके, तो अगर डेटा स्टोर हो जाता है तो मैंने वैल्यू नो दिया था, उस केस में मुझे बताना है कि सक्सेसफुली हमारा स्टेटस एंड रिमार्क अपडेट हो चुका है। तो मैंने लिखा स्टेटस एंड रिमार्क। Has been updated successfully. ठीक है, तो ये मैसेज आएगा एंड कहाँ पे रिडायरेक्ट करवाना है। ठीक है, तो मैं इसी पेज पे रिडायरेक्ट करवा देता हूँ, या तो फिर आप इसको इसी पेज पे भी करवा सकते हो या फिर आप इसको पेंडिंग डोनेशन वाले पेज पे भी रिडायरेक्ट करवा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी पेज पे करवाता हूँ, बट इस पेज पे आप करवाओगे तो आपको आईडी पास करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो यूआरएल है उसमें अपन देख रहे हैं कि हमें आईडी तो हमने भेजा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, इस पेज पे अगर रिडायरेक्ट करवाओगे तो आपको आईडी भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि इसका यही यूआरएल पैटर्न है। यहाँ पे हमें donation.id लिखना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन। ओके, चेक कर लेते हैं। तो अभी आप देखो ये फॉर्म आ रहा है। अब मैं यहाँ से अगर इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे कुछ रिमार्क मैंने दे दिया, मैंने लिखा डोनेशन एक्सेप्टेड। अपडेट पे क्लिक किया और देखो मैसेज आ गया, डोनेशन स्टेटस एंड रिमार्क हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। और अब आप देखो फॉर्म हट चुका है, इसी पेज पे मैंने रिडायरेक्ट करवाया, आईडी भी मैंने भेज दिया था एंड आप देखो यहाँ पे अब फॉर्म हट गया एंड डोनेशन एक्सेप्टेड आ गया, स्टेटस भी आ गया एंड अपडेशन डेट भी आ गया। अगर ये जो एक्सेप्ट लिखा है वो आप चाहते हो पहला लेटर कैपिटल आए तो ऐसा भी आप कर सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस में भले ही एक्सेप्ट स्मॉल लेटर में हो कैपिटल में हो, आपको किस तरीके से दिखाना है वो आप यहाँ पे स्टाइल लगा सकते हो। तो मैंने स्टाइल लगा दिया, यहाँ नहीं स्टेटस पे लगाना है, तो यहाँ पे मैंने स्टाइल दे दिया कि इसका जो केस है मतलब अपर केस में आना चाहिए लोअर केस में, ठीक है क्लास भी होती है बट ठीक है मैं स्टाइल ही लगा देता हूँ। मैंने लिखा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कॉलन, सारा अपर केस में दिखाना है तो अपर केस लगा दो या फिर पहला लेटर कैपिटल दिखाना है तो कैपिटलाइज लगा दो।
तो आप देखो पहला लेटर कैपिटल आ गया। ओके, तो इतना वर्क तो हमारा हो गया, डोनेशन एक्सेप्ट हो गया। एंड अब हम जैसे हमने बनाया था पेंडिंग डोनेशन डिस्प्ले करने के लिए, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे एक्सेप्टेड डोनेशन। ठीक है, वो हम करते हैं। फिर उसके बाद हमें वॉलंटियर असाइन करना है एंड लोकेशन भी बताना है कि इस लोकेशन पे आपको डिलीवर करना है, तो वो सब हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।